हेलो गाइस, राजेश है फॉर सिंपल स्टूपिड टेक। और इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप अपने वन प्लस एट, वन प्लस एट टी, वन प्लस नॉर्ड, वन प्लस एट प्रो और कोई भी दूसरा वन प्लस डिवाइस जो कि ऑक्सीजन ओएस 11 एंड्रॉयड 11 पे जो बेस्ड है वो रन कर रहा है, उसमें कैसे आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम या कोई भी एप्लीकेशन की दो कॉपीज को एक साथ चला सकते हैं। क्योंकि इन सारे फोन में आपको ड्यूल सिम सपोर्ट मिल रहा है, तो लोगों को चाहिए होगा कि भाई वो एक साथ दो व्हाट्सएप की कॉपीज चलाएं या दो इंस्टाग्राम की कॉपीज चलाएं। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो ये जो ड्यूल ऐप्स की फंक्शनैलिटी है ये आपको ऑक्सीजन ओएस 11 में इनबिल्ट मिलती है, तो आपको प्ले स्टोर से कोई दूसरा एप्लीकेशन नहीं यूज करना होगा इस फीचर के लिए। और वन प्लस जो है इस फीचर को बुलाता है पैरेलल ऐप्स। तो अब इस पैरेलल ऐप्स को आप कैसे यूज करोगे? सबसे पहले तो आप सेटिंग्स में जाओ, नीचे स्क्रॉल करके आपको जाना होगा यूटिलिटीज में। यहाँ पे आपको दिखेगा पैरेलल ऐप्स का ऑप्शन, इस पर टैप करना। अब जो भी एप्लीकेशंस आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड है और जो पैरेलल ऐप सपोर्ट करते हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखाए जाएंगे। हर एक एप्लीकेशन जो आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे वो पैरेलल ऐप सपोर्ट नहीं करेगा। ये हो सकता है बहुत लोगों के लिए प्रॉब्लमैटिक हो, लेकिन ये एक ऑक्सीजन ओएस 11 के पैरेलल ऐप्स फीचर का एक लिमिटेशन है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको चाहिए कि कोई भी एप्लीकेशन की आप सेकेंडरी कॉपी बना सको, तो उसके लिए आपको फिर प्ले स्टोर से कोई दूसरा एप्लीकेशन यूज करना होगा। तो अब जैसे कि यहाँ पे मैं ट्विटर की जो है एक सेकेंडरी कॉपी बनाता हूँ, तो मैं जो ट्विटर का पैरेलल ऐप्स का टॉगल है उसे इनेबल कर देता हूँ। फर्स्ट टाइम आप जब करोगे तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है इस फीचर को इनेबल होने में। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि नोटिफिकेशन आ गया था। अब मैं अपने वन प्लस 8T के ऐप ड्रॉअर में जाऊँगा और ट्विटर देखूंगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ट्विटर के दो आइकन्स हैं, पहला दूसरा। और ये जो दूसरा वाला है ना, यही आपका जो पैरेलल स्पेस द्वारा जो सेकेंडरी कॉपी है ये वो वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक सेकेंडरी पैरेलल ऐप्स का आइकन भी है। फर्स्ट वाला ट्विटर जो है ये मेरा ऑलरेडी सेटअप किया हुआ है, इसमें मैंने अपने अकाउंट्स ऑलरेडी लॉग इन कर लिया है। और अगर मैं इसे ओपन करूंगा तो आप देख सकते हो कि सारे ट्वीट्स लोड हो रहे हैं। वहीं पर अगर मैं जो पैरेलल ऐप्स वाली कॉपी को फर्स्ट टाइम खोलूंगा तो ये मुझे लॉग इन करने बोल रहे हैं, विच मीन्स कि मुझे इसे बेसिकली वापस से सेटअप करना होगा। जो भी मेरा सेकेंडरी, थर्ड, फोर्थ जो भी अकाउंट है उससे मैं यहाँ पे लॉग इन कर सकता हूँ। तो ठीक इसी तरह से चाहो तो पैरेलल ऐप्स यूज़ करके व्हाट्सएप, टेलीग्राम, पेटीएम और इंस्टाग्राम के भी सेकेंडरी कॉपीज अपने वन प्लस फोन में बना सकते हो। जैसा मैंने पहले कहा, ये फीचर काफ़ी लिमिटेड है, यहाँ पे आपको बहुत सारे एडवांस ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं। एप्लीकेशन सपोर्ट भी प्राइमरीली लिमिटेड है पॉपुलर मैसेजिंग ऐप्स पे ही, जो कि शायद बहुत लोगों को प्रॉब्लमैटिक लगे। अगर ऐसा है तो आप प्ले स्टोर से कोई दूसरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो जो सिमिलर फंक्शनैलिटी ऑफर करता हो। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप अपने वन प्लस 8, 8T, वन प्लस 8 प्रो, वन प्लस नॉर्ड या कोई भी दूसरा वन प्लस फोन जो कि ऑक्सीजन ओएस 11 रन करता है उसमें कैसे आप एक एप्लीकेशन की दो कॉपीज चला सकते हो। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो हमारे चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।